शिक्षक भर्ती परीक्षा के 50 प्रश्नों की तैयारी ई लर्निंग विद दुर्गेश पर आपके लिए लाइव है, जहां पे जीएस जीके करंट विविध की महत्वपूर्ण सीरीज है, जिसको पढ़ने के बाद आप भी कहेंगे अब की बार एक सीट हमार। अब की बार एक सीट हमार कहने से आपकी सीट तो नहीं हो जाएगी, किंतु हाँ, अगर आपने मेहनत किया, अगर आपने बेहतर किया, तो यकीनन अब की बार एक सीट आपकी होगी। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, आज हम लोग आप सभी के साथ मिलकर 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे, जहां से आपके भर्ती परीक्षा में बार बार सवाल आते हैं और सरकारी शिक्षक बनाने में जो आपके लिए मददगार होंगे। तो कॉपी कलम लेकर इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप भी सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं या सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, एक दिन पढ़कर, कुछ वीडियो लेक्चर पढ़कर आप सिलेक्शन नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन लगातार मेहनत कर लगातार पढ़कर आप अपनी मंजिल पर एक न एक दिन जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि हजारों मील लंबी यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है। आज वो पहला कदम आपका ई लर्निंग विद दुर्गेश साथ है, जहां पे मैं दुर्गेश निशुल्क एज ए गेस्ट के रूप में ई लर्निंग विद दुर्गेश पर देश हित में राष्ट्र अपने बचे हुए समय से आपके लिए फिर से एक सीरीज लेकर आया हूं, जिसका एकमात्र उद्देश्य है आपका सिलेक्शन, आपका चयन। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, वे सभी साथी इस प्रश्न का जवाब देंगे कि सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे, वरुण, अग्नि, पशुपति, प्रजापति। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप लगातार क्लास पढ़ रहे होंगे, आपने लर्निंग विद दुर्गेश के अगर नोट्स भी पढ़ा होगा या क्लास में जुड़े होंगे, तब आप ऐसे प्रश्नों का जवाब जरूर दे लेंगे। और वीडियो को जैसे जुड़िएगा, अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा, और यहां से आपके परीक्षा में पूरे अंक मिलेंगे। तो सवाल आपके सामने है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे वरुण की, अग्नि की, पशुपति, प्रजापति। तो याद रहे, आपने देखा होगा एनसीईआरटी की सीरीज में और आपके लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में भी इसका जिक्र किया गया था कि पशुपति की, किसकी, पशुपति की पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग, पशुपति की पूजा करते थे। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मृदा, एक मिट्टी के जो पद्मासन की मुद्रा में विराजमान एक योगी का चित्र था, और जिससे स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। यह भी प्राचीन इतिहास से सवाल है, सिंधु घाटी के सभ्यता की क्या विशेषता थी, नगर आयोजन, जल निकास प्रणाली, सुनियोजित सड़कें, उपरोक्त सभी। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं, फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करके बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, सिंधु घाटी की सभ्यता की क्या विशेषता थी। तो एकदम सही जवाब आप लोगों ने दिया, नगर आयोजन भी था, जल निकास प्रणाली भी थी और सुनियोजित सड़कें भी थी। माने हड़प्पा संस्कृति की विशेषता इसकी नगर योजना प्रणाली, जल निकास प्रणाली, सुनियोजित सड़कें। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बात करें तो दोनों नगरों के पास अपने अपने दुर्ग थे, जहां शासन वर्ग का परिवार रहता था। सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, नगर उनके खंडों पर विभक्त थे। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑल ऑफ दीज। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर डी लगाया है, अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर उपरोक्त सभी लगाया, तो जवाब सही है। और यही प्रश्न आपकी परीक्षा में रिपीट करते हैं, इसलिए इसको आराम से पढ़िएगा, पूरे मनोयोग के साथ पढ़िएगा, अब की बार आपको हर हाल में एक सीट मिलेगा। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, शायद आपको दिख रहा होगा कि जो पल्लव राजा की राजधानी थी, जो पल्लव के राजा थे उनकी राजधानी क्या थी। सभी साथी जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइए कि जो पल्लव राजा थे उनकी राजधानी क्या थी। चन्नापट्टिनम, महाबलीपुरम, कांचीपुरम, मदुरै। सभी साथी फटाफट जवाब दीजिएगा और फटाफट वीडियो को शेयर करिएगा, सभी लोग फटाफट वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए यहां पे हम आपके साथ मिलकर ध्यान से पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा कांचीपुरम। ध्यान से देखिएगा क्या था कांचीपुरम। माने अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है तो जवाब सही है। पल्लव की राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लव राजवंश के उत्कर्ष का इतिहास सिंह वर्मन के समय से ही प्रारंभ होता है, लेकिन ह्वेनसांग ने पल्लव की राजधानी कांची की यात्रा की थी। उस समय वहां का जो शासक था नरसिंह वर्मन प्रथम था। नरसिंह वर्मन प्रथम था कब, जब ह्वेनसांग ने पल्लव की राजधानी कांची की यात्रा की थी।
तो अब हम बढ़ते हैं एक अगले सवाल की तरफ, जो सवाल आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं फिर से एक और रेस आपके साथ, क्योंकि अभी की बार। अगला है, तालिकोट के युद्ध के फलस्वरूप निम्नलिखित में कौन सा दक्षिण भारतीय साम्राज्य प्रायः पूरी तरह से समाप्त हो गया? अहमदनगर, विजयनगर, विदर, गोलकुंडा। देखिए, ये प्रश्न की जो सीरीज है ये आउट ऑफ सिलेबस हमने आपको दिया है। क्यों? क्योंकि परीक्षा में अब सिलेबस के बाहर प्रश्न पूछते हैं। सिलेबस भी पढ़िए, सिलेबस के बाहर भी चलिए, क्योंकि अब की बार हर हाल में आपको नौकरी करनी है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका विजयनगर। क्या होगा? विजयनगर। अगर हम बात करें तो तालिकोट के, अच्छा एक प्रश्न आता, तालिकोट का युद्ध कब हुआ था? तालिकोट का युद्ध जो हुआ था यह 1565 में तालिकोट का युद्ध हुआ था। किनके बीच हुआ था? गोलकुंडा, मतलब बीजापुर और गोलकुंडा अहमदनगर के शासक ने मिलकर विजयनगर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। क्या किया था? पूरी तरह से विजयनगर को बर्बाद कर दिया था। कौन? तालिकोट की मिलना है, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर के शासक मिलकर विजयनगर को क्या किया था? पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आप सभी साथी इसके स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख लें, क्योंकि आपको बाद में रिवीजन में काफी समस्या होगी। बाद में सर हमें यह पढ़ा नहीं था। चलिए अगला सवाल है, आगरा को अपनी राजधानी बनाने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था? हुमायूं, बाबर, अकबर, शाहजहां। मेरे प्यारे साथियों, फटाफट कमेंट करके बताइएगा जल्दी जल्दी। आगरा को अपनी राजधानी पहला कौन मुगल शासक बनाया था? सभी साथी बताइएगा। आगरा नगर। और एक सवाल है, आगरा नगर की खोज किसने की थी? आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? ये दोनों प्रश्न का जवाब आप सभी को देना है। सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा। जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हो सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे कि आगरा को अपनी राजधानी बनाने वाला पहला मुगल शासक कौन है। तो एकदम सही जवाब आप लोगों ने दिया, अकबर ने सबसे पहले आगरा नगर को अपनी राजधानी बनाई थी। दूसरा सवाल यहां से पूछा जाता है, शायद आपको भी यह विदित हो, आपको भी यह पता हो कि आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। किसने? सिकंदर लोदी। अगला सवाल है, कौन से सुल्तान ने नहर सिंचाई व्यवस्था की? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करिएगा। सौरभ सर बताइए, सभी लोग फटाफट कमेंट करके। जी हाँ, एकदम सही आपने बताया, फिरोज शाह तुगलक। एकदम सही जवाब था आपका, फिरोज शाह तुगलक। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर बताया, देखिए फिरोज शाह तुगलक ने भारत में नहर सिंचाई की व्यवस्था की। फिरोज तुगलक ने कई नहरों का निर्माण करा है। जितने साथी वीडियो को देख रहे हैं जा कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइएगा कि उसने कितने नहर का निर्माण कराया था। तो उन्होंने सिंचाई के लिए 5 प्रमुख नहरों का निर्माण कराया। कितने? 5 प्रमुख नहरों का निर्माण कराया था। ठीक है, इसका जो पीडीएफ होगा क्लास खत्म होने के बाद कुछ घंटों के बाद टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगा। तो जो भी साथी अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं, दुर्गेश सर सर्च करके टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेंगे, जहां सभी क्लास की लिंक आपको मिलती रहेगी, पीडीएफ नोट्स आपको मिलता रहेगा। हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है और आपको दिखाई दे रहा होगा, निम्नलिखित जो घटनाक्रम को सजाना है, प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है। आइए ध्यान से देखते हैं। सजाने के बाद मुझे नहीं लगता यहां पे पूरा प्रश्न अधूरा रह गया है, वैसे मैं आपको यहां पे पूरा करने का प्रयास करूंगा। बंगाल विभाजन 1905, खेड़ा का आंदोलन 1918, चंपारण आंदोलन 1917, जलियावाला बाग हत्याकांड 1919। अब इसी में जो सजाना था यही था, और इसके जो क्रम थे वो यहां पे क्रम आपका छूट चुका है और नहीं दिया है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि आगे की सीरीज में बढ़ते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी फटाफट कमेंट सेक्शन में चलेंगे और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। ठीक है, इसमें प्रश्न अधूरा रह गया है, अब आगे देखते हैं। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश देने वाला जनरल कौन था? ठेगट, कॉर्नवालिस, सिम्पसन, डायर। तो आपको पता है यह घटना हुई थी, क्योंकि यह सवाल यहां से भी आता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था। और जनरल डायर को बाद में किसने मारा था? कमेंट करके सभी साथी कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, जितने लोग इस वीडियो को लाइव सेशन में देख रहे हैं। ठीक है,
जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। अगर आप सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो अपने साथी मित्रों तक ये सीरीज जरूर पहुंचाइएगा। हम आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने 1919 में किसके विरोध में सत्याग्रह चलाया था? रॉलेट एक्ट, नमक कानून, 1909 का एक्ट, जलियांवाला बाग, नरसंहार। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके बताएं। जी हाँ, बाकी क्लासेज आपको चल रही होंगी, थ्योरी की भी क्लासेज चल रही हैं और आपको वहां मिल रही होंगी, और जो नहीं मिल पाई होंगी एक दो दिन में आपको सारा क्लासेज एक एक करके मिलना शुरू हो जाएगा। याद रहे, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है रॉलेट एक्ट। गांधी जी ने 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह चलाया था। रॉलेट एक्ट को किस नाम से जानते हैं? मेरा सवाल आप सभी से है कि रॉलेट एक्ट को और किस नाम से जाना जाता है? यह प्रश्न आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा की अगर हम बात करें जूनियर या प्राइमरी में, यह सवाल जो है वह आधुनिक भारत के इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सवाल है। आपके सिलेबस में इसका जिक्र किया गया है। हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, कर्नाटक संगीत की उत्पत्ति कहां पर मानी जाती है? यह विविध का सवाल है। हम्पी, बेल्लारी, द्वार समुद्र, देवागिरी। तो कर्नाटक में संगीत की उत्पत्ति कहां पे मानी जाती है? देवागिरी में मानी जाती है, देवगिरी में मानी जाती है। अगला है, संगीत रत्न मैसूर त्रिमाकोडालु चौदियाहा 20वीं शताब्दी के प्रतिभावान वायलिन वादक थे। उन्होंने वायलिन के तार की खोज की थी। 3, 4, 5, 7। तो देखिए, संगीत रत्न मैसूर त्रिमाकोडालु चौदिया जो थे, इनका अगर जिक्र किया जाए तो इनकी एक प्रतिभावान वायलिन वादक थे। इन्होंने 7 वायलिन की तार खोजी थी। कौन सी? 7 वायलिन की तार खोजी थी। एक ऐसा यूनिक सवाल है जो आपको विविध में मिलेगा, इसलिए मैं बार बार कहता हूं सिलेबस पढ़िए और हमेशा वो प्रश्न पढ़िए जो आपको नहीं आते। बहुत सारे लोग कहते हैं सर मुझे वही पढ़ाई करिए जो आपको पहले से आता है। तो देखिए, ऐसे प्रश्न को पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। हमेशा ये प्रयास करिए कि नए प्रश्न को पढ़ने का, ताकि आप सिलेक्शन के करीब पहुंच सके। रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता था। अगला सवाल आपके सामने है, बेलूर और हलेबीड का निर्माण किए गए मंदिर क्या कब किए गए थे? 12वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी या 30वीं शताब्दी? बताइए मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। बेलूर और हलेबीड निर्माण किए गए मंदिर कब थे? यह 12वीं शताब्दी में। कब? 12वीं शताब्दी में। अगला सवाल आपके सामने है, कौन एक ब्रिटेन का राजा नहीं था? नहीं वाला प्रश्न आजकल आपके परीक्षा में काफी ट्रेंडिंग रहता है। देखिए, हमेशा उन प्रश्नों को पढ़िए जो आपने कभी नहीं पढ़ा है, क्योंकि पहले से जो प्रश्न आते हैं वही क्लास में पढ़ने से कोई औचित्य नहीं है, अगर परीक्षा में आ गया तो। इसलिए हमेशा कड़े सवाल पढ़िएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जी हाँ, रेडवाल्ड ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी भी ब्रिटेन के राजा नहीं थे, और जो गलत है वही आपका सही है। अब हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। क्या आप लोग तैयार हैं? अगला सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसे रूसी क्रांति का जनक माना जाता है? मेरे प्यारे साथियों, इस देश का निर्माताओं, जरा कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। देखिए, रूस की क्रांति जो थी ये 20वीं शताब्दी की प्रमुख घटनाओं में से एक थी। लेनिन रूस की जो बोल्शेविक क्रांति का जनक माना जाता है। यह मार्क्स के जो विचारों का अनुयायी था, यह कार्ल मार्क्स के जो विचार थे उनका अनुयायी था। उसने मजदूरों का संगठन बनाकर मार्क्सवादी सिद्धांतों का प्रचार किया। 1917 की बोल्शेविक क्रांति को सफल बनाने में उसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा किया था। रूस में समाजवादी शासन की स्थापना की, जिसके कारण उसे रूस में समाजवादी का पिता कहा जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कमेंट करके बताइए। तो लेनिन रूस की, यहां इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? लेनिन होगा, लेनिन। अच्छा, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की एक प्रसिद्ध रचना है जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखिए, यहां मार्क्स के विचारों का अनुयायी भी था लेनिन। उसने मजदूरों का संगठन बनाकर मार्क्सवादी सिद्धांतों का प्रचार किया।
हम चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, हमें हमेशा ध्यान रखना है कि आपको सिलेक्शन दिलाना है हर परिस्थिति में, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। सवाल है, मिस किम कैम्बेल कहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? तो मिस किम कैम्बेल कनाडा की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। कहाँ की? कनाडा की पहली महिला प्रधानमंत्री बनती है। तांसुलिसा तुर्की की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। अगर पूछा जाए कि तुर्क की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो तांसुसिलर। इंग्लैंड की पहली महिला अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो मार्गरेट थेचर, और श्रीलंका की एस भंडार नायके विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अगर सवाल पूछ दिया जाए विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन था, तो इसका उत्तर होगा श्रीलंका की एस भंडार नायके। यस, आपके विविध का सवाल है, यह विविध में पूछा जाता है। अगला सवाल, कनाडा की राजधानी क्या है? जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कनाडा की राजधानी क्या है। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि कनाडा की राजधानी क्या है। अगला सवाल आपके सामने है, भारतीय जनगणना के अनुसार किसी स्थान को शहर कहे जाने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? 10,000 से अधिक कुल जनसंख्या हो, 5,000 से अधिक की कुल जनसंख्या, प्रति वर्ग किलोमीटर 400 व्यक्तियों से अधिक जनघनत्व हो, पुरुष श्रमिक जनसंख्या के 75% अधिक का गैर कृषि कार्यों में लगा होना। तो यहां पे ध्यान रहे, भारतीय जनगणना के अनुसार किसी स्थान को शहर कहे जाने के लिए उस स्थान की कुल जनसंख्या क्या होना चाहिए, कितने से अधिक होना चाहिए? 1,00,000 से अधिक होना चाहिए। ओटावा सही जवाब है, ओटावा सही जवाब है। ये गलत है और जो गलत है वही सही है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा? ये सब विविध में आते हैं आपके, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। देखिए, सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर मुंबई है। इसे भारत का वाणिज्य केंद्र कहा जाता है, इसे भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। रट लीजिए मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, ठीक, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। मन्नार की खाड़ी कहां पर स्थित है? सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि जो मन्नार की खाड़ी है वो कहां पर है। बताइए फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि जो मन्नार की खाड़ी है, जैसे अगर हम बात करें, ये मन्नार की खाड़ी कहां पर है? माना दक्षिण भारत है आपका, तो मन्नार की खाड़ी गुजरात के पश्चिम में है, गलत। तमिलनाडु के पूर्व में, केरल के पश्चिम में, गलत। कन्याकुमारी के दक्षिण में, तमिलनाडु के पूर्व में। देखिए, अब यहां पर ये तमिलनाडु के क्या है, पूर्व में तो होगा नहीं, कन्याकुमारी के दक्षिण में है। ध्यान से लिखना चाहे लिख लीजिएगा, जो मन्नार की खाड़ी है ये कन्याकुमारी के दक्षिण में, दक्षिण पूर्व में है, तमिलनाडु के दक्षिण भाग में है और श्रीलंका के बीच में स्थित है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आपका डी होगा। प्रसिद्ध करीबाबाद, करीबाबाद नहीं है, कुछ लोग कहेंगे करीबाबाद, करीबाबाद किस नदी पर है? नाइल नदी, नाइजर नदी, जाम्बेजी नदी, अमेजन नदी। देखिए, आप लोग को उत्तर प्रदेश स्पेशल की कंप्लीट वीडियो लेक्चर थियरी और उसकी प्रैक्टिस सेट, 30 वीडियो लेक्चर आपके ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर है, निःशुल्क है, जो मेरे द्वारा पढ़ाई गई है देश हित में, राष्ट्र हित में। तो आप लोग ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा, वहां पे जाइएगा, फ्री क्लासेज में यूपी स्पेशल की सभी वीडियो लेक्चर आप तैयार कर लीजिएगा। प्रसिद्ध करीबाबाद किस नदी पर है? तो ध्यान रहे, नाइल नदी, नाइजर नदी, जाम्बेजी नदी, अमेजन नदी। तो जो करीबाबाद है ये जाम्बेजी नदी पर है। कहां पर है? यह जाम्बेजी नदी पर है।
अच्छा टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे हम, अगर टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे आप लोग की संख्या अच्छी रहती है तो हम टॉपिक वाइज ही पढ़ा देंगे, हमें कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रसिद्ध करीबाबाद किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर है। कहां पर है? जाम्बेजी नदी पर है। याद रखिएगा यह जल विद्युत उत्पादन के उद्देश्य निर्मित किया गया है। इसकी ऊंचाई 128 मीटर है। इसमें 430 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है लगभग। आप कहेंगे टॉपिक वाइज, हम टॉपिक वाइज भी क्लास लेकर आएंगे, लेकिन आप लोग की संख्या अच्छी होगी तब, नहीं तो पता चला पढ़ाने से कोई मतलब ही नहीं है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा तो इस क्लास के टाइम कुछ और कर दिया जाएगा। जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? जर्मनी और पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग, मैगिनाट, डुरंड रेखा, 17वीं समानांतर रेखा, यह सभी ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में आपको मिल गया होगा। आप लोग नोट्स तैयार कर लीजिएगा। सभी लोग जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी डेली क्लास के लिए अगर आप तैयार होंगे तो हम आपके लिए तैयार हैं। जर्मनी और पोलैंड के बीच जो सीमा, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है। देखिए यहां पर इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा हिंडनबर्ग रेखा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया के मध्य सीमा को किसके द्वारा अंकित किया गया है? उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया के मध्य सीमा को किसके द्वारा अंकित किया गया है? सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइएगा। जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा। देखिए उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया के मध्य कौन सी है? 38वीं सीमा, मतलब 38वीं समानांतर द्वारा अंकित किया गया है। 38वीं माने 38 अंश उत्तरी अक्षांश, इसका मतलब याद रखिएगा 38 अंश अक्षांश, लिखना चाहे लिख लीजिएगा, नहीं तो आप कहेंगे ये 38 क्या है, ये उत्तरी अक्षांश की बात कर रहा है, 38 अंश उत्तरी अक्षांश। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। यह सवाल आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है कि उत्तरी कोरिया की राजधानी क्या है और दक्षिणी कोरिया की राजधानी क्या है। तो उत्तरी कोरिया की जो राजधानी है वो प्योंगयांग है, जबकि दक्षिणी कोरिया की राजधानी सियोल है। यह परीक्षा में सवाल आता है, रट लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं, कल के भावी अध्यापकों अध्यापिकाओं। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, किस क्षेत्र में लवणता अधिक होने की संभावना है? हिंद महासागर, लाल सागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर। सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। देखिए यहां पर अगर प्रश्न की हम बात करें, ठीक है, यहां पर इस प्रश्न की हम बात करते हैं कि यह इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, लाल सागर। लाल सागर के बारे में जानते हैं, लाल सागर में लवणता की मात्रा ज्यादा है, इसमें लगभग 47-41 हजार लवणता पाई जाती है, मतलब। और सबसे बड़ी बात यह है अगर इसकी हम बात करें तो यहां पर गर्मी में शुष्क वायु के प्रभाव से अधिक वाष्पीकरण हो जाता है। यहां कोई बड़ी नदी भी नहीं है जो मीठा पानी समुद्र में गिरा दे, इसलिए लाल सागर इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला है, सबसे गहरा गर्त जिसे हम ट्रेंच कहते हैं कहां पर है? तो सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइएगा। यह अगर गहराई की बात की जाए तो किसी किताब में 11,022, कहीं कहीं 11,033 मीटर है, कहीं कहीं किताब में 11,005 मीटर। अलग अलग किताबों में अलग अलग आंकड़ा देता है। यह फिलीपींस के पूरब में है, फिलीपींस के पूरब में है और दुनिया का सबसे गहरा गर्त है यह प्रशांत महासागर में है। कहां पर है? फिलीपींस के पूर्व में स्थित है। यहां से भी सवाल आपके परीक्षा में आते हैं, महासागर आपके सिलेबस में है, महासागर, सागर, महाद्वीप, ये सभी आपके पाठ्यक्रम में है, यह सभी आपके सिलेबस में है। अब हम और आगे चलते हैं आपके साथ मिलकर। कितने लोगों ने वीडियो को शेयर किया जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का सभी साथी जवाब दीजिएगा, क्योंकि अब की बार हर हाल में एक सीट हमार। सभी साथी फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। टुंड्रा प्रदेश
की महत्वपूर्ण क्रियाकलाप क्या है? अगर बात किया जाए कि टुंड्रा प्रदेश की महत्वपूर्ण क्रियाकलाप क्या है, टुंड्रा प्रदेश की महत्वपूर्ण क्रियाकलाप क्या है? मत्स्य उद्योग, पशुपालन, शिकार करना, कृषि करना। मतलब टुंड्रा का मतलब ऐसे जान लीजिएगा, बंजर भूमि। टुंड्रा मतलब टकला। अब जब टकला होगा तब क्या होगा? देखिए यहां पर इसे बंजर भूमि कह सकते हैं। ऐसे मान लीजिए टुंड्रा को बंजर भूमि कहते हैं। इसमें सूर्यातप, सूर्य का प्रकाश मिलता ही नहीं पूरे साल, वनस्पति विकास हो ही नहीं पाता। यहाँ पे पशुपालन व्यवस्था है, पशुओं के मांस, दूध, ऊन, खाल यहां से मिलते हैं। यहां पर रेनडियर है, कैडबू है, यहाँ के जानवर है। इसलिए यहाँ की अगर हम बात करें तो क्या होगा? पशुपालन ही यहाँ पे होगा। यहाँ पे क्या होगा? पशुपालन होगा। कुछ लोग शिकार करना कहते, जी नहीं, पशुपालन होगा। पशुपालन का मतलब क्या है? मांस, दूध, ऊन, खाल, यही प्राप्त करते हैं। तो ये किसके अंदर? ये पशुपालन के अंतर्गत आते हैं। अब हम आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है? अगला सवाल आपके सामने है, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। सभी लोग फटा। देखिए मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करता है? एक अनुच्छेद है भारत के संविधान में, हम यहां पे आपको जिक्र कर देंगे, अनुच्छेद 74 उपखंड 1 में यह प्रावधान है कि मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका डी है। संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व ऋण वसूली किस निधि में जाता है? भारत का लोक लेखा में, भारत की आकस्मिकता निधि में, भारत की समेकित निधि में, इनमें से कोई नहीं। यार आप लोग वीडियो को शेयर करिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए इसी तरह की स्पेशल क्लासेस प्रतिदिन आती रहे तो भैया वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, और ये उन्हें बताइए कि अब की बार एक सीट हमार कहने से हो ना हो, लेकिन आपकी मेहनत से जरूर होगा। चलिए यहां पर हम आपके साथ मिलकर बात करते हैं। सभी लोग ध्यान से देखिएगा, संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व ऋण वसूली किस निधि में जाता है? तो यहां पर है भारत के लोक लेखा में। भारत का लोक लेखा माने एस का सही जवाब है, इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ, ठीक आगे चल रहे। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइए प्रश्न नंबर 27 का जवाब क्या होगा। चलिए यहां पे ध्यान से देखते हैं, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वन एक समवर्ती सूची का विषय है, स्टॉक एक्सचेंज, डाकघर, संघ सूची, सार्वजनिक सूची, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज भी यह संघ सूची का विषय है। इसका मतलब यह गलत है, और जो गलत है वही आपका सही है, ठीक समझ में आया? तो आप लोग इसे पढ़ते रहिए और आगे चलते रहिए। एक सवाल है 28 नंबर पर, देखिए डॉक्टर अमर सेन जिन्होंने 1998 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, मेरा एक सवाल है आपसे, अभी तक कुल कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला? ध्यान से देखिएगा और जवाब दीजिएगा, अभी तक कुल कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? जब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आर्थिक विकास के लिए इन्हें कल्याणकारी
अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण के समर्थक थे, इसलिए इन्हें अमर्त सेन को नोबेल पुरस्कार मिलता है। तो यहां से पूछा है आर्थिक विकास के तीव्र समर्थक थे। आइए देखते हैं क्या है इसके बारे में, इसका प्रश्न आगे छोटा हुआ है कि ये क्या थे, मुद्रा अर्थशास्त्र, कल्याण अर्थशास्त्र, निर्वात बाजार, भूमंडलीय एकीकरण। तो यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, यहां पर वो कल्याण अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण के तीव्र समर्थक थे अमर सेन जी। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक सवाल का मैं आपसे करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप सभी उम्मीद से जवाब जरूर दीजिएगा। आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा में 7 से 8 लाख लोग बैठेंगे, उसमें से 7-8 लाख लोग का चयन तो होगा नहीं, तो उसमें आपका चयन क्यों होगा, जरा कमेंट करके बताइए। अगर जो शिक्षक भर्ती आ रही है, जो चल रही है, इसमें आपका चयन क्यों होगा, आपके अंदर ऐसा क्या स्पेशल है, आखिर पूरा प्रदेश पढ़ रहा है। प्रत्येक अभ्यर्थी बीएड, बीटीसी, डीएलएड, बीएलएड सभी मेहनत कर रहे हैं, शिक्षा मित्र भी पढ़ रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन क्यों होगा, आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है, आप औरों से क्या बेहतर है जो आपका सिलेक्शन होगा। जरूरी नहीं है जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उन सबका सिलेक्शन हो जाए, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होगा और बहुत सारे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन होगा। आखिर ऐसा क्या है, सफल व्यक्ति और असफल व्यक्ति में क्या अंतर होता है, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। कल के शिक्षक भर्ती में कौन शिक्षक नहीं बनेगा, उसका क्या क्या कारण है, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। बताइए क्या ऐसे कारण होंगे, क्या ऐसे रीजन होंगे कि कल की भर्ती में किस किस का चयन नहीं होगा। आगे चलते हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनी कौन सी है, तो यहां पे हम बात करना चाहेंगे गेल पब्लिक सेक्टर कंपनी। गेल का फुल फॉर्म क्या होगा, भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड, ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है, ये भारत के 9 रत्नों में शामिल है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अंतरराष्ट्रीय बाल संकट को जिसे हम यूनिसेफ कहते हैं, प्रधान कार्यालय कहां पर, यह विविध का सिलेबस है, यहां रात दिन एक करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं मिल रहा है और कुछ लोग चाहते हैं बिना पढ़े सिलेक्शन मिल जाए, ऐसे लोग को 2 कदम दूर से ही नमस्ते करिएगा कोरोना की तरह। ठीक है, ऐसे लोग खुद भी नहीं पढ़ते हैं और दूसरों को भी नहीं पढ़ने देते हैं। अंतरराष्ट्रीय बाल संकट को उसका प्रधान कार्यालय मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, रट लीजिएगा, यह आपके विविध के सिलेबस में है, विविध के पैटर्न में है। हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ, रटिए। कुछ लोग जिनेवा बता रहे हैं, बताइए अभी गलती कर रहे इतने पढ़ने के बाद, परीक्षा हाल में प्रत्येक गलती आपको सिलेक्शन से बाहर करेगी, याद रखिएगा, इतना आसान नौकरी नहीं है जितना आप समझते हैं। हाँ, अगर आपके मन में यह है कि नौकरी इतनी आसान है तो अपने दिमाग से जहन से निकाल दीजिए। पुस्तक सीन्स फ्रॉम ए राइटर्स लाइफ के लेखक कौन है, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। सभी लोग, पुस्तक सीन्स फ्रॉम ए राइटर्स लाइफ के लेखक कौन है, जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके जवाब दीजिएगा, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। सीन्स फ्रॉम ए राइटर्स लाइफ के लेखक कौन है, रस्किन ब्रांड, निखत आजमी, निखिल चक्रवर्ती, डेविड गुडाल। तो सीन्स फ्रॉम यू सेटर्स लाइफ लेखक लेखक जो है रस्किन ब्रांड है, मतलब इस प्रश्न का उत्तर ए सही है। अगला है, डॉक्टर जीवागो नामक पुस्तक के लेखक कौन है, यह भी आपके सिलेबस में है, यह भी आपके पैटर्न में है, और जब सिलेबस में है और आपके पैटर्न में है तो इसे याद करना होगा। अच्छा, मैंने क्या न्यूयॉर्क ही बताया था ना, सही है। सभी साथी फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि यह कहने से नहीं हो जाएगा आपकी बार एक सीट हमार, यह आपको करके दिखाना होगा, यह आपको करके दिखाना होगा और अपने परिवार के लिए साबित करना पड़ेगा कि ना, नौकरी उतनी आसान नहीं है जितना लोग कह देते हैं, उसके लिए दिन रात एक करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी ना जाने क्यों कुछ का सिलेक्शन नहीं होता, ना जाने फिर सबका सिलेक्शन क्यों नहीं होता।
चलिए चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। यहां पे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये होगा बेरिस पेस्टर नॉक। क्या होगा? बेरिस पेस्टर नॉक। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बोरिस पेस्टर नॉक, भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहां पर है? बेंगलोर, अहमदाबाद, हैदराबाद, मुंबई। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। देखिए भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहां पर है? जवाब सभी लोग को देना चाहिए। मुंबई में। कहां पर है? मुंबई में। आगे देखते हैं, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहां पर है? केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहां पर है? नई दिल्ली, रुड़की, लखनऊ, धनबाद। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। देखिए सभी लोग कमेंट करके बताइए। आप सभी को सिलेक्शन लेना है, आप सभी को उनकी तरह नहीं लाना है जो खाली भर्ती भर्ती करते हैं, उनकी तरह नहीं जो भर्ती का इंतजार करते हैं, उनकी तरह बनिए जो भर्ती के लिए लड़ते हैं, जो भर्ती के लिए मेहनत करते हैं, भर्ती के लिए तैयारी करते हैं और भर्ती में एक सीट लेकर रहेंगे। ऐसा ना हो भर्ती आए और चली जाए और सिलेक्शन आपका रुक जाए, ऐसा कदाचित ना होने पाए। रुड़की में है। कहां पर होगा? रुड़की में होगा। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में। ये सभी ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं नोट्स जरूर पढ़ लीजिएगा आप सब। अगला सवाल है, प्रोफेसर अमर्त सेन सम्मानित हुए थे यूनेस्को के शांति पुरस्कार से, भारत रत्न से, नोबेल पुरस्कार से, ए और बी दोनों। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी कमेंट करके जवाब दें। एक सत्यता है, एक सच्चाई है, अगर 51,000 भर्ती है और अगर उसमें 7 लाख आवेदन है तो केवल 51,000 का चयन होगा, बाकी 6,49,000 घर पर आएंगे, फिर से भर्ती की तैयारी करेंगे। यह कोरी सच्चाई है, स्वीकार करें या ना करें। जैसे 51 के भर्ती आ गई या 1 लाख भर्ती आ गई, अगर 1 लाख भर्ती आ गई और 7 लाख लोग आवेदन कर रहे हैं तो 7 लाख का चयन नहीं होगा, चयन केवल 1 लाख का होगा। 6 लाख फिर भर्ती की मांग करेंगे, फिर भर्ती की तैयारी करेंगे। यह सच्चाई है कि 7 लाख जितने लोग फॉर्म भरेंगे सबको नौकरी नहीं मिलेगी। अगर आपके मन में ऐसी धारणा हो तो आज ही उसे निकाल कर बाहर कर दीजिएगा। तो अमर सेन जी को किस लिए नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था और इन्हें भारत रत्न भी मिला था, मतलब हम यू कह सकते हैं। यहां पे देखिए आप बी और सी होना चाहिए था, बी एंड सी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा बी और सी, माने भारत रत्न भी सही है, नोबेल भी सही है, मतलब यहां पे इसका उत्तर होना चाहिए बी और सी, दोनों सही है। यहां पे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे बी हो गया और सी हो गया, यहां पे यह दोनों जवाब सही है। इन्हें भारत रत्न भी मिला है, नोबेल पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, यहां किसी के मन में कोई सवाल है तो पूछ सकता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किसको भारत रत्न नहीं मिला? यह भी ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में, अगर आपने नोट्स पढ़ा होगा तो याद होगा। देखिए अभी अमर सेन को मिला है, ये हम लोगों ने देखा, लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला है, रविशंकर जी को मिला है, पंडित जसराज को अभी भारत रत्न नहीं मिला है, इसलिए जो गलत है वही आपका सही होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर डी होगा। हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। सारे अध्याय आपको पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए, इंतजार करिए, एक ही दिन सब पढ़ लेंगे का। टाइगर वुड्स संबंधित है, यह भी आपकी विविध में है, यह भी आपके सिलेबस में है और नोट्स में होगा। देखिए पोलो, स्कूनर, गोल्फ, टेनिस, तो यहां पे टाइगर वुड्स किससे संबंधित है? यह गोल्फ से संबंधित है। सी इसका सही जवाब है।
नोट्स के लिए आप लोग इस नंबर पर बात करिए भैया, ई लर्निंग विद दुर्गेश का जो ऑफिस का नंबर है, देखिए ये ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पे जब कॉल करेंगे व्हाट्सएप करेंगे आपको जानकारी मिल जाएगी। यह जौनपुर जनपद के सिराजे हिल से चल रही है, ठीक है। बाकी इसकी पीडीएफ के लिए आप सब फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करिएगा, बिना स्पेस के ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। सानिया मिर्जा संबंधित है एथलेटिक्स से, फिल्म से, निशानेबाजी से, टेनिस से, ठीक है। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करिएगा। बाकी सभी क्लास, कल भी और क्लास होगी, इसके बाद भी क्लास होगी, उसका लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। सानिया मिर्जा संबंधित है एथलेटिक, फिल्म, निशानेबाजी, टेनिस, तो इसका उत्तर आपको पता ही है, टेनिस से। अगला है, साउथ वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? बंगलुरु, हुबली, बेलगाम, सिकंदराबाद। सभी साथी फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा साउथ वेस्टर्न रेलवे का मुख्य कार्यालय कहां पर है। जी हां, इस प्रश्न का उत्तर होगा हुबली। यह 2003 से काम करना शुरू कर दिया था, यह 2003 से काम करना शुरू कर दिया था। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली में है। हम चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी फटाफट कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करके बताएं क्या हुआ, आपकी तैयारी पूरी हो गई है। यह आज का आखिरी सवाल है और आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिएगा। आप सभी साथी, इसके बाद भी क्लास होगी, प्रतिदिन क्लास होगी, और अगर कोई शेड्यूल में कोई परिवर्तन होता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। सभी साथी टेलीग्राम पे दुर्गेश्वर सर्च करके जुड़िएगा, ये सभी क्लासेज आप सभी को निःशुल्क देश हित में, राष्ट्र हित में उपलब्ध है, ठीक है। सभी साथी, भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना है, आपको याद होगा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र, मतलब हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, विभक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, मान इस तरह से आपको पूरा रटना होगा। अगर आपने पूरा रट लिया तो बस संविधान की सीरीज भी आपकी शुरू होगी, मतलब सारी सीरीज आपको उपलब्ध होंगी। ऐप पे जाएंगे तो पूरी शिक्षक भर्ती परीक्षा की ढेर सारा स्लाइड आपको मिल जाएगा, जहां से आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना क्या है, इसका उत्तर आपके साथ है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना। तो याद रहे, यह प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। आप लोग सभी लोग, जितने लोग इस वीडियो को लाइव सेशन में देख रहे थे, सभी लोग टेलीग्राम पर जुड़े रहेंगे, आपको सभी क्लास की नोटिफिकेशन यहां से उपलब्ध हो जाएगी। और अगर आप ऑनलाइन क्लास नोट्स के संबंध में अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस पर आप व्हाट्सएप या कॉल करके आप सारी जानकारी यहां से इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि अब की बार हर हाल में एग्जिट हमार, कहने से नहीं होगा, मेहनत करने से होगा। और मेहनत सब कर रहे हैं, पढ़ सब रहा है, लेकिन जिसकी सपनों में उड़ान होगा, जिसके लक्ष्य उसके सपनों से बढ़कर होंगे, उसका चयन इस शिक्षक भर्ती परीक्षा में जरूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि अब की बार आपकी बारी है अपने मां बाप के लिए। आप सभी का थैंक यू तहे दिल से। अगली क्लास की लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, अगली क्लास की जो लिंक है वह आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो आप लोग जुड़े रहिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हाँ, सभी क्लास नोट्स मिल जाएंगे, मेरी और भी क्लासेस चल रही हैं, निःशुल्क हैं, सभी देश हित पे, राष्ट्र हित में है। और अगर आप कहेंगे तो आपके लिए जल्दी थियरी की क्लास भी शुरू हो जाएगी, लेकिन आप लोग तैयार तो हो, ठीक। थैंक यू, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, आपकी जिम्मेदारी है। सभी लोग जितने इस वीडियो को लाइव सेशन में देख रहे हैं, आपके लिए काफी स्पेशल और बेहतर सीरीज तैयार की गई है। थैंक यू आप सभी का।